वेलकम बैक टू द जीवा हेल्थ शो। हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। अगर आप भी उनसे कोई वार्तालाप करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं जिसके लिए आयुर्वेदिक उपचार चाहिए, कॉल ऑन द नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने काफी अच्छे से आप समझा रहे थे उनके कारणों के विषय पर। तो कारण जो मैंने बताया, एक तो हमारा डाइट, हाँ जी, दूसरा जो कारण है आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, वात प्रकोपक कोई भी चीज हो, जब वात बढ़ेगा बॉडी के अंदर, तो क्योंकि एक मूवमेंट का ये है, हर 28 दिन में एक साइकिल चलती है, और मूवमेंट किससे कंट्रोल होती है, वात से। तो जब भी उसमें इरेगुलरिटी आएगी तो कहीं ना कहीं वात का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो सकता जी, है। जी जी। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या सोल्यूशन है जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाना चाहती हूँ। बिल्कुल, दिखाइए जी। हेलो, मेरा नाम मीका दे है और मैं शिलोंग मेघालय से बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरे को लास्ट 10-12 ईयर्स से मेरे ब्रेस्ट पे सिस्ट था, लेकिन लास्ट 1 ईयर से मेरा प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट की, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसके लिए मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऑपरेशन नहीं करना था। इसीलिए मेरे सिस्टर ने ये केयर वर्ल्ड पे ये जीवा का प्रोग्राम देखा, इटर्नल हेल्थ, और उसके बाद पता चला कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर मैंने डॉक्टर से यहाँ पे कांटेक्ट की और लास्ट 9 मंथ से मैं यहाँ से मेडिसिन ले रही हूँ। आफ्टर मेडिसिन लेने के बाद अब मुझे लगता है कम से कम 80% मैं हील हो चुकी हूँ और बहुत रिलीफ मिला है मुझे। मेरे रिसेंट टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से मेरी प्रॉब्लम काफ़ी अभी कम हुई है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे जीवा का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग काफ़ी हेल्पफुल और काइंड है, और इसीलिए मैं डॉक्टर चौहान और उनके पूरे टीम को अपने दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। वाओ, अमेजिंग। मेन थिंग जो मैंने कुछ शब्द रजिस्टर किए, थैंक यू, हेल्पफुल, काइंड, लाइक, ये सब सुनने में आपको कैसा महसूस हो रहा है डॉक्टर? देखो, ये आयुर्वेद की शक्ति है, हम तो आयुर्वेद को नतमस्तक हैं और आयुर्वेद की शरण में ही रहते हैं, तो आयुर्वेद की जो पावर है वही शायद हमें ये सब चीज़ें, हमें इनका श्रेय मिल जाता है, काम तो आयुर्वेद ही करता है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि कभी कभार जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक भी चल रहा है महिलाओं के बारे में, और महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि इनका जो प्रॉब्लम था कि सिस्ट होना, सिस्ट चाहे ब्रेस्ट में हो चाहे ओवरी में हो, आजकल ओवरीज में बहुत सिस्ट होते हैं, और मैंने देखा कि 17, 18, 20, 22 साल की जो लड़कियां हैं उनको ओवरी में सिस्ट बहुत हो रहा है। तो हमने जीवा में इस पर काफ़ी रिसर्च की है, इसलिए हमारे यहाँ रिजल्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं, चाहे ओवेरियन सिस्ट हो चाहे इस तरह के सिस्ट कहीं पर भी बॉडी में हो। महिलाओं में मोस्टली जो हम प्रॉब्लम्स की भी बात कर रहे थे, कारणों की भी बात कर रहे थे पहले, एक कारण इमोशनल ट्रॉमा भी होता है, इमोशनल डिस्ट्रेस हम उसको कहें, कि जब महिला जो है वो इमोशनल लेवल पर प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं, कारण कुछ भी हो सकता है, कोई रिलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपको जो है लाइफ में किसी ने कोई धोखा दिया वो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो है किसी का नेचर होता है सेंसिटिव, उसको कुछ बोल दिया, किसी ने उसके फिगर के बारे में कुछ बोल दिया, उसकी ब्यूटी के बारे में कुछ बोल दिया, उसके नेचर के बारे में, तो ये जो महिलाओं को मैंने देखा है कि जो अंदर उसको रख लेती हैं, दे डोंट शेयर इट विद एनीबॉडी, दैट कन्वर्ट्स इनटू सम काइंड ऑफ फिजिकल ब्लॉकेज, मैंने ये देखा है। फिलहाल जो है हमारे कॉलर अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जी। हेलो। हेलो, नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। नमस्ते। नमस्ते, आपका शुभ नाम? रीता पांडे। कहाँ से बोल रही हैं आप? कानपुर से। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, बताइए जी, क्या पूछना है? डॉक्टर साहब, मेरा पेट जो है बहुत भरा भरा रहता है। अच्छा। और सुबह एक ही बार जाते हैं, मतलब फ्रेश एक ही बार होने जाते हैं, लेकिन पूरे दिन इतना भरा भरा रहता है, और भूख बिल्कुल नहीं लगती है, जलन होती रहती है। अच्छा। और हमारे मतलब 6 महीने से पैर के घुटनों में भी थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा, एड़ी में। तो ये पेट की प्रॉब्लम कितनी पुरानी है? पेट तो हो गया 2 साल तक हो गया है। तो 2 साल से अभी तक कुछ इलाज नहीं किया? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई लेते रहते हैं, कहीं जिसे बताया दवाई खा लिए तो आराम हो जाती है। अच्छा अच्छा। और सुबह उठते हैं तब भी कभी कभी जैसे ना खट्टापन सा अंदर आ जाता है। देखिए, ये जो समस्या आपकी है ना, इसको समझ लीजिए क्या प्रॉब्लम है ये। आपका शो हम डेली देखते हैं, इसलिए उन्हें फोन किया था। चलो, अच्छी बात है, उसमें कुछ नुस्खे भी आपने सुने होंगे, पता नहीं वो आपने प्रयोग किए नहीं, लेकिन आपके लिए कुछ मैं बताने जा रहा हूँ।
आपकी जो प्रॉब्लम है वो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि खाना जो खाते हैं वो पूरा अच्छी तरह से पचता नहीं है, अग्नि आपकी स्ट्रांग नहीं है, आपकी पाचक अग्नि कमजोर है, ऐसा समझ लीजिए। तो उससे होता क्या है कि जब खाना खाते हैं आप, वो पूरा जब नहीं पचेगा तो भारीपन रहेगा, और जब वो पचेगा नहीं तो दो चीज़ होगी, आम भी बनेगा और उससे थोड़ा फर्मेंटेशन होकर जलन भी हो जाती है कभी कभार। तो ये जो आम है ये फिर आपको शरीर में और भारीपन पैदा करता है, हैवीनेस पैदा करता है, कभी कभार सुस्ती सी लगेगी कि पूरा दिन कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, कि कुछ जैसे ऐसा भी लगता है कभी कभार जैसे कुछ बुखार हो गया शरीर में। तो हमें करना क्या है, अग्नि को मजबूत करना है, जठराग्नि को थोड़ा सा तेज करना है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो ताज़ा अदरक घर में होता है ना, ताज़ा अदरक छोटा सा टुकड़ा खाना खाने से पहले खाइए। दूसरा जो है अदरक, जीरा, सौंफ और धनिया, चार चीज़ें एक एक चम्मच ले लीजिए, चारों चीज़ें एक लीटर पानी में डाल करके इसको बॉयल कर लीजिए सुबह के समय, और अच्छी तरह से बॉयल करके इस पानी को छान करके अगर गर्मी का मौसम है तो ऐसे ही पी सकते हैं, और जब ठंड होती है, अगर आपके यहाँ ठंड पड़ रही है तो उसमें थोड़ा थर्मस के अंदर उसको भर के रख लीजिए और हल्का सा गुनगुना उसको दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। भोजन जो खाते हैं उसमें गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, राजमा, उड़द की दाल, गोभी, भिंडी, कोई भी हैवी चीज़, पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, इस तरह की जो फ्राइड चीज़ें हैं, मिठाइयाँ भी कम खानी है, दूध से बनी चीज़ों का भी परहेज करना है। छाछ बहुत अच्छी आपके लिए, पतली सी छाछ बनाइए, उसमें थोड़ा सा हींग, भुना हुआ जीरा, काला नमक डाल करके छाछ जरूर पी लीजिए, सुबह भी पी सकते हैं, दोपहर को भी पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक आपका जो है भोजन पचना शुरू होगा और जो एसिडिटी है वो भी नहीं बनेगी, साथ में आपको जो है अग्नि आपकी मजबूत होगी तो आपका भारीपन भी नहीं होगा। तो आप ये शुरू करो, प्लस जो है आयुर्वेदिक परामर्श लेकर के आयुर्वेदिक उपचार भी चालू करिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर प्रताप चौहान से कोई आयुर्वेदिक उपचार पाना चाहते हैं, कॉल कीजिए नंबर्स पर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत अभी अधूरे हैं जी, लेकिन वक्त आ गया है एक ब्रेक का। बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे ऑन द जीवा हेल्थ शो। सी यू सून। घर घर आयुर्वेद, इस मिशन के तहत जीवा आयुर्वेद ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के कई शहरों में जीवा आयुर्वेद सेंटर्स की स्थापना की है, जहां आप पा सकते हैं अपने किसी भी रोग के लिए एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स की राय और उपाय। जीवा आयुर्वेद के किसी भी सेंटर से जुड़ने के लिए आपको याद रखना है सिर्फ एक नंबर, यानी आपकी सेहत का नंबर 01294040404।